सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है दो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से स्नैक्स जिसको मैं बनाऊंगी घिया और पोहे का यूज करके। इसके साथ ही आज की वीडियो में है एक गिव अवे जो कि है ऑडी यूनिरैप और ऑडी इको बेक की तरफ से। आप में से 20 लकी विनर्स को मिलेंगे ये ऑडी के प्रोडक्ट। इसके बारे में वीडियो में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अभी स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए आपने एक बर्तन में पानी लेना है 1.5-2 गिलास के करीब। पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने डालना है आलू। ये मैंने 2 आलू को छोटा छोटा काट कर वॉश करके ले लिया। देखिए बहुत बड़ा नहीं काटना, नहीं तो इनको गलने में टाइम लगेगा। इसको पानी में डाल दिया है, अब गैस को कर देंगे लो और इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए या फिर जब तक कि आलू गल नहीं जाते हैं। अब ये देखिए 3-4 मिनट में ही आलू जो है गल चुके हैं। इसको ऐसे आप चेक कर लेना। और अब इसमें डालना है पोहा। तो 1 कप मैंने पोहा लिया है, तो पोहा आप कोई भी ले सकते हो, मोटा वाला हो या पतला, कोई भी चलेगा। और साथ में ये मैं डाल रही हूँ कच्चा आम। कच्चा आम ये मैंने आधा लिया है छील कर काट कर, इसको भी साथ में ही डाल देंगे। ये भी थोड़ा सा गल जाएगा ना तो अच्छी तरह से मैश होएगा। तो गैस को बंद कर देंगे और इसको भी कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से थोड़ी सी गल सी जाएंगी। पोहा भी सॉफ्ट हो जाएगा और ये कच्चा आम भी सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट के बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। पोहा भी अब तक सॉफ्ट हो चुका है, आलू पहले ही गल चुके थे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी डालेंगे जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए। अब सारा पानी इसमें से निकल गया है तो इसको डाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। अभी भी ये गर्म है तो इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक स्नैक्स के साथ खाने के लिए एक बहुत टेस्टी सी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए लेंगे मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर कर हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 2 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये मैंने ली है शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च मैंने ली है। इसको डालने से एक तो चटनी का टेस्ट अच्छा आता है, दूसरा कलर भी बहुत अच्छा आता है। और साथ में ये मैं डाल रही हूँ कच्चा आम। तो आधे कच्चे आम को मैंने छील कर काट कर लिया है। तो आप इसको डालोगे ना तो चटनी का टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में डाल लेंगे थोड़ा सा जीरा और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही 2 चम्मच भर कर। दही अगर थोड़ी खट्टी भी होगी तो भी चलेगी। अब इसको पीसना है तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा इसमें पानी डालकर चटनी को पीस लेंगे। अब तक आलू और पोहा अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, इसको हम हाथ से अब मैश कर सकते हैं। तो हाथ से इसको मैश करना है कि आलू जो पीसेज है ना वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं, टूट जाएं। तो अब इसमें मिलाना है मेन इंग्रेडिएंट जो कि है घिया। आधे घिये को मैंने ग्रेट करके लिया है ग्रेटर की मोटी वाली साइड से। घिया अक्सर जो है बच्चे और कुछ तो बड़े लोग भी खाना पसंद नहीं करते ना, तो आप इस तरह से स्नैक्स बनाएंगे ना तो सभी खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने घिया का यूज़ किया हुआ है। घिये को मैंने बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं है, एज इट इज़ ऐसे ही डाला है, इसका पानी नहीं निकाला है, ऐसे ही यूज़ किया है। घिये में बिल्कुल भी सीड्स नहीं थे, बिल्कुल फ्रेश था। अगर घिये में थोड़े बहुत बीज हो ना तो आप उसको निकाल देना। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमने मिलाना है। अब ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो गई हैं, तो अब इसमें थोड़ी सी वेजीज मिला लेते हैं। तो एक मैंने प्याज छोटा छोटा काट कर लिया है और शिमला मिर्च को भी बारीक काट कर लिया है। और ये मैंने गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। आप इसमें अपनी पसंद से कोई और वेजीज भी मिला सकते हो। थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके लिया है, हरा धनिया मिला देंगे इसमें थोड़ा सा, और ये मैंने हरी मिर्च लिए हैं 2। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें थोड़े से मसाले मिलाएंगे, रेड चिली पाउडर स्वाद के अनुसार मिलाना है। और ये मैंने 1/2 चम्मच के करीब लिया है सांभर मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप ये नहीं मिलाना चाहते तो आप गर्म मसाला मिला सकते हो। थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे और नमक मिलाएंगे स्वाद के अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब ये देखिए डो की तरह तैयार हो गया है, तो हल्का सा ही गीला, ज़्यादा गीला नहीं है। तो इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा चावल का आटा। चावल के आटे की जगह आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप कॉर्नफ्लावर डालना चाहते हो ना तो वो भी डाल सकते हो। तीनों में से कुछ भी मिला सकते हो बाइंडिंग के लिए, तो जितनी ज़रूरत लगे। तो 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने मिलाया है।
तो अब और ज़रूरत नहीं लग रही, इसमें बाइंडिंग अच्छी है पहले से, ये देखिए ज़्यादा गीला भी नहीं है। अगर गीला लगे तो आप थोड़ा सा चावल का आटा और मिला लेना। अब इससे हम बनाएंगे स्नैक्स, तो इसके लिए पहले तो हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और छोटा सा पोर्शन इसमें से लेकर, इससे मैं बना रही हूँ गोल गोल टिक्कियाँ, तो जैसे आलू की टिक्की होती है ना उस तरह की बना रही हूँ। वैसे आप इसे किसी और शेप में भी बना सकते हो। अभी ये मैंने थोड़ी सी टिक्कियाँ बनाई हैं, इसको मैं बिना ऑयल के और लोहे के तवे पर बनाऊंगी। इसके लिए मेरे पास है ऑडी का इको बेक पार्चमेंट पेपर, इसे आप कुकिंग, बेकिंग, स्टीमिंग तीनों ही काम में ला सकते हो। इसे बॉक्स से निकालना भी बहुत आसान है, फ्लैप को ऊपर करके इसे निकालना है और बॉक्स पर लगे हुए ब्लेड से इसे कट करना है। अब इस ऑडी इको बेक पेपर को मैं रख रही हूँ लोहे के तवे पर, हल्का सा ब्रश से मैं ऑयल लगा रही हूँ। अगर आप इस ऑयल को नहीं भी लगाएंगे ना तब भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस पर रखेंगे टिक्कियों को और पलट पलट कर इसको हमने सेकना है, गैस को बिल्कुल लो रखना है। तो ये देखिए आप इसका कलर कितना अच्छा आने लग गया है। अगर इन टिक्कियों को हम डायरेक्ट लोहे के तवे पर बनाते तो ये बहुत ज़्यादा चिपकती, ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता, तब भी रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। ये देखिए आप टिक्कियाँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई हैं, और आप पेपर भी देखें बिल्कुल साफ़ है, इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो, और तवा भी देखें आप बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, साथ में चटनी भी तैयार थी, तो इनको मैंने सर्व कर लिया है। अब बात आती है कि अगर आपके पास ऑडी इको बेक पार्चमेंट पेपर नहीं है तो फिर आप इस स्नैक्स को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पैन में मैंने ऑयल गर्म किया है, इसमें इसको शैलो फ्राई करेंगे, चाहे तो डीप फ्राई कर लेना। तो देखिए आप इसको एकदम से नहीं हिलाना है, एक मिनट के बाद इनको आपने पलटना है। अब ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आना शुरू हो गया है, तो जब ये बिल्कुल अच्छी ब्राउन हो जाए ना, क्रिस्प हो जाए, तब आपने इनको निकालना है। तो ये देखिए टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, तो मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी क्रिस्प बनी है। बाहर से बहुत ही क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट होती हैं और खाने में बहुत टेस्टी हैं। इसको खाने से पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर हमने घीए का यूज़ किया है, पोहे का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और साथ में वो हरी चटनी, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अब बनाते हैं दूसरा स्नैक्स। इसके लिए जो बैटर हमारे पास बचा हुआ है ना, इसमें डालेंगे हम बेसन, 2-3 चम्मच भर कर बेसन की डाल देंगे और पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे पकोड़ों के लिए। तो जैसे हम पकोड़े के लिए बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वही बनाना है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं घी, पोहे और आलू को मिलाकर टेस्टी से पकोड़े हैं। तो ये देखें इसका बैटर ऐसा मैंने तैयार किया है। आप इसमें नमक मिर्च चेक कर लेना, क्योंकि इसमें अभी हमने बेसन वगैरह डाला है, तो हो सकता है नमक कम हो गया हो। तो वैसे तो इसमें हमने चावल का आटा डाला है, तो ये बहुत क्रिस्प बनेंगे, फिर भी अगर आप डालना चाहो तो 1 चम्मच इसमें सूजी डाल सकते हो। तो ये पकोड़ों का बैटर बनकर तैयार हो गया है। ऑयल को मैंने फुल गर्म करके लिया है, इसमें पकोड़े बनाने हैं तो चाहे आप स्पून से डाल लेना, चाहे हाथ से डालना। तो ये देखें आप पकोड़े इसमें काफ़ी सारे एक ही बार में फ्राई हो जाएंगे, तो इनका कलर देखें आप कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। तो घीए के पकोड़े जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, जैसे कि आजकल बारिश का मौसम है, इसमें तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब ये देखें पकोड़ों का कलर कितना अच्छा आ गया है, इसको निकाल लेते हैं। इसको भी मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आप इस स्नैक्स को लंच के लिए पैक करना चाहते हो तो आप इसे करें ऑडी के यूनिरैप में। यह फूड सेफ्टी सर्टिफाइड है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जब हम फॉइल में खाना रैप करते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, जबकि यूनिरैप में रैप किया हुआ खाना हेल्दी और हाइजीनिक रहता है। आप इसे माइक्रोवेव में सीधे गर्म भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं गिव अवे की। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करने हैं 2 काम। पहला ये कि आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताना है कि आप ऑडी यूनिरैप और ऑडी इको बेक से क्या बनाएंगे। सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है यूट्यूब व इंस्टाग्राम के पेज ऑडी यूनिरैप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये कॉन्टेस्ट आज से 15 दिन तक चलेगा। इसका जो रिज़ल्ट होगा उसको मैं अपने यूट्यूब की पोस्ट में शेयर कर दूँगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।